आप सब आई होप अच्छी होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल तेजस्विनी ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग फेशियल लेकर आई हूँ जो कि आपके फेस में विंटर में ग्लो भी प्रोवाइड करेगा एंड देन आप इसको यूज करने के बाद भी बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करेगा। और यूज करने के बाद आप नहीं कहेंगी इतने कम प्राइस में मुझे इतना अच्छा ग्लो मिल गया। तो मैं इसको आपके लिए इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आप जो भाई मैगी प्रोडक्ट यूज करती हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो बाय नहीं कर सकती है मैगी मैगी प्रोडक्ट्स और उसको यूज करना चाहती है, अपने फेस पे ग्लो भी चाहती हैं, देन अपने घर पे ही फेशियल करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये परफेक्ट है। तो मैं ये लेकर आई हूँ जॉय का फेशियल किट जो कि बहुत ही अच्छा है। 24 गोल्ड कैरेट है इसमें कि नहीं है मुझे नहीं पता, मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगी। मैंने यूज किया है इसको, बहुत ही अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है। ऐसा नहीं है कि ये कम प्राइस में है तो इसके रिजल्ट अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसकी कोई प्रोडक्ट कम प्राइस में तो बहुत ही अच्छा यूज नहीं होगा इसका, मतलब जो कि आपको अच्छा ग्लो नहीं देगा। मुझे इस बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये मैंने बाय किया है 200 रुपीज़ में मैंने बाय किया है, बार्गेनिंग करके। अगर आप बाय करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और अगर आप इसे ऑनलाइन बाय करेंगी और ऑफर्स में बाय करेंगी तो और भी डिस्काउंट के साथ आपको मिलेगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने इसे ऑनलाइन परचेज किया है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें आपको 4 से 5 स्टेप्स हैं इसके, ये देख सकती हैं आप। ये था जो फेस वॉश मैंने यूज़ करके खत्म कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जॉय की फेशियल, जॉय का जो भी फेस वॉश होता है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। देन हमारे पास बच्चे हैं 4 स्टेप्स, ये जॉय का आपका ही फेशियल के साथ यही वाला आपको जॉय का लेमन का मिलेगा। लेमन भी मिल सकता है और भी बहुत सारे फूड फ्लेवर्स मिल सकते हैं आपको इसमें इसके साथ, जो कि आपको फेस वॉश करना है उसको क्लीन अप कहते हैं। फर्स्ट स्टेप क्लीन अप हम कोई किसी भी फेस वॉश से भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इसी जॉय का ही हो। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि फेशियल कैसा आपको ग्लो प्रोवाइड करेगा। सिक्योर कर लीजिए जिससे आपको फेशियल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने ये लिया है फेशियल बैंड, स्किन केयर बैंड जो भी आप बोलती हूँ इसको, वो ले लीजिए एंड देन अपने बालों को अच्छे से सिक्योर कर लीजिए जिससे आपको फेशियल करने में प्रॉब्लम्स ना हो। फेस वॉश कर रही हूँ यहीं पे, तो मैं यहीं पे पानी ले रही हूँ इसके बॉटल में, उससे अच्छे से फेस वॉश कर लेंगे अपने अच्छे फेस को। फिर उसके बाद हम दूसरे स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका क्लीनिंग होगा जो कि बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। इस फेस को क्लिनजिंग करने के बाद या कोई भी स्टेप फॉलो करिए, अच्छे से आप क्लिनजिंग करिए जो फेस से जितनी भी गंदगी है धूल मिट्टी है वो अच्छे से रिमूव हो जाए, जिससे आपके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करे, आपके स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करे। अच्छे से क्लीन अप करके 5 मिनट तक कर लेंगे, फिर उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लेंगे। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, आप देख सकती हैं मैंने फेस वॉश कर लिया है। देन हम करेंगे अपना फर्स्ट स्टेप करेंगे, हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड हमारा स्टेप होगा स्क्रबिंग, जो आप देख सकती हैं इसमें आपको स्टेप भी दिए हुए मिलेंगे कि आपको फर्स्ट स्टेप कौन सा करना है, सेकेंड स्टेप कौन सा करना है। तो फिर मैं आप ले लेती हूँ अपना फर्स्ट स्टेप स्क्रबिंग है, ये फर्स्ट स्टेप आपका स्क्रबिंग है। आप चाहें तो वाटर भी ले सकती हैं, मैंने गुनगुना पानी लिया है क्योंकि विंटर्स है तो गुनगुने पानी से बहुत ही अच्छा आपका फेशियल होगा। आप चाहें तो रोज़ वाटर भी ले सकती हैं, रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकती हैं, मैंने गुनगुना पानी लिया है तो इससे मैं करूँगी फेशियल। अपने फेस पर ये स्क्रब अप्लाई कर लीजिए, देख सकती हैं आप इसका टेक्स्चर कैसा है, वाइट कलर में है, वाइट एंड गोल्डन थोड़ा सा टच दिया हुआ इसमें। पहले थोड़ी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पहले हमें स्क्रब नहीं अप्लाई करना है, फिर उसके बाद ही गर्म पानी से अपने फेस पर स्प्रे कर लूँगी एंड देन अपने हैंड की हेल्प से स्मूथली आपको स्क्रबिंग करना है। हार्ड हैंड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हार्ड हैंड का यूज़ अगर आप कर लेंगी तो आपके फेस पर पिंपल्स आ सकते हैं, जो पिंपल्स अगर आपके फेस पर हैं भी तो वो बढ़ भी सकते हैं। तो आप हमेशा सॉफ्ट हैंड का यूज़ ही करिए अपने फेस पर कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए। तो फर्स्टली हम स्क्रबिंग कर लेंगे अपने फेस को अच्छी तरह से। नेक एरिया पे भी आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि नेक एरिया और इस फेस का स्किन आपका सेम दिखना चाहिए, अलग अलग नहीं दिखना चाहिए क्यूटीज। तो पहले हम स्क्रबिंग कर लेंगे,
30 मिनट तक आपका 35 मिनट्स लगेंगे आपको ये फेशियल करने में। कम से कम आप 35 मिनट्स तो लीजिए इस फेशियल को करने में, जिससे आपको अच्छे से ग्लो प्रोवाइड हो। तो मैं ले रही हूँ स्क्रबिंग को कर रही हूँ, 10 मिनट्स के लिए स्क्रबिंग कर लूँगी। स्क्रबिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 मिनट्स नहीं 8 मिनट्स आपका लीजिए। अगर आपको बहुत जल्दी हो तो 5 मिनट्स का लीजिए। अच्छे से स्क्रबिंग करेंगे तो आपका फेस के जितने डर्ट्स होंगे वो निकल जाएंगे। अगर आपका हैंड एकदम हार्ड चलने लगे तो आप ज़रूर वाटर ज़रूर ऐड करिए, ऐसे आप स्क्रबिंग मत करिए। देख सकती हैं आप कितने अच्छे से हो रहा है। 5 मिनट तक स्क्रब करके अपने फेस को वॉश करके फिर मिलते हैं, हम फेस वॉश कर लेंगे। प्लीज हमारा स्क्रबिंग हो चुका है, आप देख सकती हैं स्क्रबिंग से ही कितना अच्छा ग्लो प्रोवाइड हुआ है हमारे फेस पे, जो कि बहुत ही अच्छा है हमारे स्किन के लिए। स्क्रबिंग हमें एक बार तो जरूर करना चाहिए वीक में, जिससे हमारे फेस की जितनी डर्ट्स एंड डर्ट्स गंदगी है जो आपकी अच्छे से रिमूव हो जाए। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड हमारा है ग्लो मसाजिंग क्रीम, जो कि हमारे फेस में मसाज के लिए दिया गया है, तो हम इसे मसाज करेंगे। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपके इसका टेक्सचर कैसा है आपको। ये भी थोड़ा गोल्डेज टच में दिया गया है, जो कि थोड़ा सा आप देख सकती हैं स्क्रबिंग में भी ग्लिटर पार्टिकल्स थोड़े थे जो आपके फेस पे ग्लो और थोड़ा सा शाइन लाए। इसमें भी शायद ग्लिटर पार्टिकल्स से पूरे फेशियल किट में ग्लिटर्स के पार्टिकल्स दिए हुए हैं। तो आप इसे अपने फेस पे अप्लाई करिए, पूरे फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लीजिए मसाजिंग क्रीम। देन उसके बाद हम यूज करेंगे यही अपना लूम वाटर, फेस पे इसको स्प्रे करके अच्छी तरह से मसाज देंगे। 5 मिनट्स के लिए मसाज दीजिएगा, क्योंकि अपने फेस को एकदम रिलैक्स फील करने के लिए। अच्छे से मसाज दीजिएगा सॉफ्ट हैंड से अपने नोज एरिया पे, अपने आई एरिया पे, एंड देन अपने पूरे फेस पे आपको मसाज देना है। अगर आप फेशियल को 15 डेज पे करती हैं क्यूटीज तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप फेशियल करें फेशियल्स के बाद आप बिल्कुल भी मेकअप मत लगाइए, उसको बिल्कुल स्किप कर दीजिए, क्योंकि हमें हमारे जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, उससे जो मेकअप होता है हमारे स्किन में अब चला जाएगा, अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप हमेशा फेशियल करने के बाद आप 1 डे का रेस्ट लीजिए ही लीजिए। अगर आप कहीं भी नहीं जा रही हैं तो 2 डे का रेस्ट लीजिए, और मेकअप को हमेशा स्किप कर दीजिए फेशियल के बाद, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मसाज कर लीजिए आप 5 मिनट मसाजिंग के बाद आपको दिख जाएगा कि बहुत ही अच्छा फेशियल है ये, यूज़ करने के बाद बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करेगा आपके फेस पे। 5 मिनट तक मैंने मसाज कर लिया है, देन हम फेस वॉश कर लेंगे यूटीज। थैंक यू डीज, आपका होगा थर्ड स्टेप, ये है आपका सॉफ्ट ग्लो जेल, जो कि आप मुझे जेल फेशियल में सबसे ज़्यादा पसंद है, जो कि जेल आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करता है, जो आपके स्किन पे जो भी आप कर चुकी हैं उसके बाद जेल अप्लाई करने के बाद बहुत रिलैक्सिंग देता है। तो मुझे जेल बहुत पसंद है आपको। प्लीज़ आपको बताइए फेशियल के किट्स में कौन सा स्टेप आपको ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ कमेंट में ज़्यादा जरूर बताइए। तो चलिए जेल अप्लाई कर लेते हैं। जेल आप देख सकती हैं येलो कलर्स में है, जो कि बिल्कुल स्पार्कल है, इसमें थोड़ा स्पार्कल टाइप का है, जो कि हमारे फेस पे जो भी है तो थोड़ा स्पार्कल ग्लो देगा। तो चलिए इसको हम अप्लाई कर लेते हैं पहले। ये मैंने अप्लाई कर लिया है, देन हम फेस पे यही वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से मसाज देंगे। मुझे बहुत पसंद आता है ये जेल क्रीम, प्लीज आपको कैसा लगता है बताइएगा। इसको भी आपको 5 मिनट्स तक मसाज देना है, उसके बाद ही अपने फेस को वॉश करिएगा। 5 मिनट्स तक मसाज जरूर दीजिए, जिससे आपके फेस पर ग्लो हो, प्रोवाइड हो।
गर्म पानी से करने से फ़ायदा ये है ग्यूरीज, क्योंकि जो आपके स्किन में आप टेम्परेचर के हिसाब से अगर आप कोई भी चीज़ का यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं ये यूज़ कर रही हूँ इसलिए क्योंकि टेम्परेचर हमारा यहाँ का बहुत ही कम है, आज 12 डिग्री टेम्परेचर है, इस वजह से मैं ये गर्म पानी भी ले रही हूँ, जिससे और गर्म पानी से हमारा स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है। अगर आप यूज़ करती हैं विंटर्स में स्किन केयर करती हैं तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अगर आपका ये वाटर डाइट चल रहा है तो आप फिर से वाटर ऐड कर सकती हैं, बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करेगा इससे आपको। अगर आप कहीं बाहर जा रही हैं या फिर आप किसी पार्टी में जा रही हैं तो 2 डेज़ के पहले ही आप फेशियल को करिए, जिससे आपके सेकेंड डेज पे फेशियल का ग्लो दिखे। ये तो आप जानती होंगी, क्योंकि जो क्यूटीज नहीं जानती हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। अगर आपको फेशियल करना है तो 2 डेज़ बिफोर पहले ही करिए, जिससे आपको फेस पे उसका इफेक्ट दिखे। तो 2 मिनट्स 5 मिनट्स के लिए मैंने मसाज कर लिया है, देन हम फेस वॉश कर लेंगे। सो क्यूटीज, हमारा 3rd स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जेल क्रीम हमने अप्लाई कर लिया है, देन हम अप्लाई करेंगे। देन ये 4th स्टेप है आपका, जो कि हमारा है ग्लो फेस पैक। ये पैक है, पैक भी अप्लाई करना बहुत जरूरी हुई है, जो कि हमारे फेस पर ग्लो प्रोवाइड करेगा। तो चलिए हम ये पैक को अप्लाई कर लेते हैं, ये पैक अप्लाई कर लेते हैं। ब्रश ले रही हूँ, ब्रश से हम पैक को अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम पहले ले लेते हैं पैक। पैक मैं अपने हैंड्स पे ही निकाल ले रही हूँ, देख लीजिए इतना मैंने निकाला है। पहले थोड़ी क्वांटिटी भी फिर अप्लाई करके फिर निकाले। तो चलिए पैक अप्लाई कर लेते हैं। अपने डार्क सर्कल एरिया में भी अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा डार्क सर्कल बहुत ही ज़्यादा है, मेरे आई के पास ज़्यादा ही डार्क एरिया है, इसलिए मैं हमेशा पैक को अपने डार्क सर्कल एरिया पे अप्लाई करती हूँ। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकती हैं क्यूटीज। पैक अप्लाई कर लिया, इसमें 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, तो अपने फेस को वॉश करेंगे। तो चलिए 10 मिनट रेस्ट ले लेते हैं। तो क्यूटीज, हमारा पैक देख सकते हैं अब अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, या फिर आप वाइप से क्लीन भी कर सकते हैं। मैं ही वाइप से क्लीन करके आपको दिखाऊंगी रिजल्ट कैसा आया है। तो आप देख सकते हैं मैं स्प्रे कर रही हूँ, अच्छे से स्प्रे कर लिया। इसलिए आप वाइप्स ले लेंगी, फिर अच्छे से क्लीन करेंगे। एकदम फ्रेश वाइप्स लीजिएगा आप, जिससे आपको क्लीन करने में इजी जाए। देन आप देख सकते हैं, देखिए अच्छे से क्लीन कर लेना है आपको। फेस को क्लीन कर लिया है, तो आप देख सकती हैं कितना अच्छा ग्लो प्रोवाइड हुआ है इस फेशियल के बाद। देख सकती हैं आप, स्किन भी एकदम सॉफ्ट सी हो चुकी है, स्किन भी एकदम सॉफ्ट सी हो चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छा फील दे रही है। हमें विंटर्स में स्किन केयर ज़रूर करना चाहिए क्यूटीज़, हम विंटर में स्किन केयर को स्किप कर देते हैं, बिल्कुल ठंड की वजह से हम स्किन केयर नहीं करते। इस वजह से हमारे स्किन पे बहुत सारे डर्ट, बहुत सारी इंप्योरिटीज़ आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन पे पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स, बहुत सारी दिक्कतें हमारे स्किन को फेस करना पड़ता है। हम स्ट्रेस भी लेते हैं, वो भी हमारी स्किन फेस करती है। तो अगर आप चाहती हैं आपके स्किन को भी रिलैक्स मिले, तो उसको भी रिलैक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या फिर आप होम रेमेडीज कीजिए, या फिर आप फेशियल कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस अपने स्किन का केयर करिए। डेली अगर आप स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हैं तो भी आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। एंड मंथ में भी आप एक बार स्किन केयर अच्छे से करिए, डीप स्किन केयर, तो बहुत अच्छी स्किन आपकी रहेगी।
तो ये था हमारा फाइनल रिजल्ट। मैंने ये फेशियल किट शेयर किया है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा है क्यूटीज, तो आप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकती हैं कि आपके लिए मैं कौन सा फेशियल लेकर आऊँ। तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, कमेंट्स के बाद मैं आपके लिए जो फेशियल आप चाहती हैं रिव्यू देखना, उसके लिए मैं आपके लिए फेशियल किट ज़रूर लेकर आऊँगी। और ये अफोर्डेबल प्राइस में था इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई थी। अगर आपको और भी अफोर्डेबल प्राइस में स्किन केयर है तो जल्द ही मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू क्यूटीज। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जल्दी जाते। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।